हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर फनी स्टोरी पार्ट 4। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, वी ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अवर हाइब्रिड मसल्स ऑफ द नेक। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने देखा था द हाइब्रिड मसल ऑफ द अपर लिम। व्हाट वाज द फनी स्टोरी अबाउट इट? द फनी स्टोरी वाज बीएसपी फूफा। यस, हमने कहानी सुनी थी जिसमें एक लड़की होती है जिसको बुआ का नाम दे दिया जाता है। वो मेडिकल कॉलेज में डीन के पास जाकर शिकायत करती है और बोलती है क्लास में सब लोग मुझे बुआ 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 कहते हैं। डीन सर नाराज हो जाते हैं, वो क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में पूछते हैं जितने लोग इसे बुआ कहते हैं सब खड़े हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो जाती है, लेकिन एक लड़का बैठा रहता है। वो उससे पूछते हैं क्यों जी, क्यों तुम इसको बुआ नहीं कहते? वो लड़का कहता है नो सर। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लास का फूफा हूं। ये थी हमारी फनी स्टोरी द मसल्स ऑफ द अपर लिम। यस, हाइब्रिड मसल बीएसपी फूफा। ये हमारा निमोनिक था। बी फॉर ब्रेकियलिस, एस फॉर सब स्कैपुलरिस, पी फॉर पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर। फिर उसके बाद फू से हमारा याद था निमोनिक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फिर फा फा से था हमारा यस फ्लेक्सर पॉलिसेस ब्रेविस। और उसके बाद हमने देखा था यस डॉक्टर जयंत, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। आप जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं यस, इससे हम सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमने अपर यस लोअर लिम, हाइब्रिड मसल्स ऑफ द लोअर लिम की बात की थी। तो वहां पर हमने क्या देखा था, हमने एक फनी स्टोरी बनाई थी। साउथ के जो हमारे सुपर हीरो हैं विजय, उन्होंने गाना गाया हुआ है मोटिवेटिंग सॉन्ग बाप के ऊपर। यस, जब भी हम अपने पिताजी को याद करते तो एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारे पिताजी हमारे लिए कितना देते हैं, हमारे बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं, कितने पैसे देते हैं। तो वो गाना क्या था, मालूम है पिता कितना दे, मालूम है पिता कितना दे, मालूम है पिता कितना दे, पिता कितना दे। तो ये था हमारा फनी सॉन्ग। तो BAP हमने याद किया था, बी फॉर बाइसेप्स ऑफ फीमोरिस, ए फॉर यस एडक्टर मैग्नस और पी फॉर पेक्टिनियस। तो इसका डिटेल देखने के लिए आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रायंगल की। अपने हाथ को इस तरीके से करो और मैंडिबल के ठीक नीचे ऐसे लगाओ। यस, द ओनली हाइब्रिड मसल ऑफ द नेक। आपका निमोनिक है डाइगेस्टिक मसल। यस, इसमें दो बेली होते हैं, एंटीरियर बेली पोस्टीरियर बेली। क्योंकि इसमें दो बेली है इसलिए इस मसल का क्या नाम है बेटा, इस मसल का नाम है डाइगेस्टिक मसल। यस, इसका क्या नाम है, डाइगेस्टिक मसल। यस जैन, थैंक यू बेटा, यू आर सेइंग यू एंड योर क्लासेस आर अवेसम, सो थैंक यू बेटा फॉर सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लाइंस। यस, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी सर इज हियर। सर गुड इवनिंग, हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल बहुत अच्छे से प्यारे से सर और हीरो सर प्रवीण सर यहाँ पर हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हम सभी पर बनी हुई है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग हियर। तो बेटा चलो हम बात करते हैं हमारे यस डाइजेस्टिक मसल, एंट्री बेली ऑफ डाइजेस्टिक, पोस्टरी बेली ऑफ डाइजेस्टिक। तो अपने हाथ को मैंडिबल के ठीक नीचे ऐसे रखो, क्योंकि इसमें दो बेली है तो इसमें क्या नाम होगा बेटा, इसमें होगा डाइजेस्टिक, दो बेली, नाम से क्लियर है। चलो थोड़ा सा इसको कोलेट करते हैं। एंटीरियर बेली, एंटीरियर बेली इज डेरिवेटिव ऑफ विच आर्ट? चलो कमेंट करो कमेंट करो। एंटीरियर बेली इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। नर्व ऑफ द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च कौन था बेटा? यस, नर्व ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च ये था हमारा यस मैंडिबुलर नर्व। हिल्टन लॉ लगाओ, हिल्टन लॉ के लग क्या कहता है बेटा, जो नदी जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है। क्योंकि एंटीरियर बेली जो है वो फर्स्ट आर्च की नदी कौन है, नर्व कौन है? सर मैंडिबुलर नर्व। इसलिए एंटीरियर बेली की नर्व सप्लाई कौन होगी, मैंडिबुलर नर्व। सो सिंपल। इसी तरीके से बेटा पोस्टीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली जो है ये किस आर्च की डेरिवेटिव थी? एमसीक्यू। सर पोस्टीरियर बेली जो है वो सेकंड आर्च की डेरिवेटिव थी, ये एक एमसीक्यू हो गया। अगला एमसीक्यू, सेकंड आर्च की नर्व कौन है? सर फेशियल नर्व इज द नर्व ऑफ द सेकंड आर्च। तो फिर से हिल्टन लॉ लगाओ, सर जो नर्व जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है। तो ये जो पोस्टीरियर बेली है इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, सर नर्व ऑफ द सेकंड फेरिंजियल आर्च। नर्व ऑफ द सेकंड फेरिंजियल आर्च कोई और नहीं है सर, इट इज अवर फेशियल नर्व। सो दिस डाइगेस्टिक मसल इज हैविंग द एंट्री बेली सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व, पोस्टीरियर बेली इट इज सप्लाइड बाय द अवर फेशियल नर्व। तो हुई ना ये मसल डबल नर्व सप्लाई, एंड द मसल विद द डबल नर्व सप्लाई इज नोन एज डाइगेस्टिक मसल। यस, ओनली हाइब्रिड मसल ऑफ द नेक। आपका आंसर क्या है? यस, आंसर इज डाइगेस्टिक मसल। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट ईएनटी सर्जरी और मेडिसिन के साथ। सर दिस इज द लोअर मार्जिन ऑफ मैंडिबल, सर दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक,
एंड हियर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइगेस्ट्रिक. तो इस तरीके से ट्राइंगल बना विच इज नोन एज द डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल. यस विद इन दिस ट्राइंगल यू विल गेट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यू विल गेट द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, यू विल गेट द सबमैंडिबुलर डक्ट. और सबमैंडिबुलर डक्ट सर्जरी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं. यस योर नीट पीजी क्वेश्चन, द सबमैंडिबुलर डक्ट इज हैविंग द रिलेशन विद द लिंगुअल नर्व. समझने की कोशिश कीजिए. यस दिस इज सपोज सबमैंडिबुलर डक्ट, तो लिंगुअल नर्व आती है पहले लैटरल की तरफ जाती है, फिर बिलो जाती है, फिर मीडियल आ जाती है. सो दिस इज हैविंग द रिलेशन L B W, ओके L फॉर लैटरल, B फॉर बिलो, और W से याद रखना है W को उल्टा कर दो, M फॉर मीडियल. यस लिंगुअल नर्व इज रिलेटेड लैटरली देन बिलो एंड देन मीडियली. सो योर निमोनिक इज एल बी डब्ल्यू, इसे आप एल बी एम करके भी याद रख सकते हैं. इसीलिए क्लिनिकल का क्वेश्चन ENT सर्जरी मेडिसिन, वेन एवर यू आर लाइगेटिंग द सबमैंडिबुलर डक्ट विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड, रिमेंबर इट इज नॉट द अवर मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, it is not the our, yes any other nerve, the answer is the lingual nerve, because lingual nerve is hooking the submandibular duct. Okay, yes submandibular gland ki agar surgery karenge to most common nerve which is getting injured, ab aapka answer hai marginal mandibular nerve. Lekin agar Wharton's duct ya fir submandibular duct aa gaya to beta ab aapka answer change ho jata hai, ye hai lingual nerve. This is a beautiful integration of the anatomy with the surgery, ENT and the medicine. अगर आपकी एनाटॉमी वीक रहेगी तो बेटा ये क्वेश्चन सर्जरी मेडिसिन का समझ में नहीं आ पाएगा. तो ये था हमारा प्यारा शॉर्ट एंड स्वीट सेशन. कनेक्टेड रहिए, अगले बार हम फिर से मिलेंगे. ऑल द रेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल. एंडिंग दिस सेशन, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट एट द चैट बॉक्स. थैंक यू.